दोस्तों एशिया कप 2023 में भारत और पाकिस्तान के महामुकाबले में हार्दिक पांड्या ने आखिरी ओवर में पाकिस्तान के गेंदबाजों को रुलाया खून की आंसू और 3 गेंदों में लगातार 3 छक्के ठोकने के बाद हार्दिक पांड्या ने क्रिकेट जगत में इतिहास रच दिया। दोस्तों आप भी देखना चाहते हो भारत और पाकिस्तान महामुकाबले का पूरा वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है भारत और पाकिस्तान का पहला मुकाबला बारिश के कारण कैंसिल हो गया था। आखिरकार दूसरे महामुकाबले में बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या ने आखिरी ओवर में पाकिस्तान के गेंदबाजों की परखच चौराकर रख दिए और शाहीन शाह अफरीदी की गेंदबाजी में 3 गेंदों में लगातार 3 छक्के उड़ाने के बाद शाहीन शाह अफरीदी को रुला दिया खून की आंसू। दोस्तों पहले तो हार्दिक पांड्या ने 12 गेंदों का सामना करते हुए 52 रनों की तूफानी और विस्फोटक पारी खेली, उसके बाद महज इतनी गेंदों में उड़ा डाली 110 रनों की खतरनाक पारी। पाकिस्तान के टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 310 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए 4 विकेट खोने के बाद, जिसमें बाबर आजम ने सबसे ज्यादा 115 रनों की तूफानी पारी खेली। भारतीय टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए जब मैदान पर आई तो रोहित शर्मा मात्र 11 रन के स्कोर पर आउट हो गए। उसके बाद मैदान पर तूफान देखने को मिला हार्दिक पांड्या का। हार्दिक पांड्या मैदान पर आते ही पाकिस्तान के गेंदबाजों की परखच्चे से उड़ाकर रख दी और मैदान की चारों ओर चौके और छक्के की बरसात कर डाली। इस तरीके से भारतीय टीम ने इस मुकाबले को जीतकर इतिहास रच दिया।